भागवत का प्रारंभ जन्माध्यक्ष से शुरू है। पहला श्लोक भागवत जी का महात्म्य का, भागवत जी के प्रथम स्कंद का, जन्माध्यक्ष यतः जन्माध्यक्ष यतः करके जन्म जन्म आदि जिससे होता है, इस शब्द से प्रारंभ है। ये वेदांत वाक्य है। ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत में कौन प्रवेश कर सकता है? जिसके अंदर ब्रह्म की जिज्ञासा होगी वो उस वेदांत में प्रवेश कर सकता है। आप यहां पर बैठे हैं, आपको कथा सुनने की जिज्ञासा है कि नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप यहां पर बैठे हैं तो आप कथा के अधिकारी हो गए। वेदांत में ऐसा नहीं है। वेदांत में पहले आपके अंदर उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, तब आपके लिए वेदांत है। लेकिन यहां पर आप आकर के बैठते हो, आपको यदि भगवान को जानने की इच्छा नहीं भी होती तब भी यहां बैठते हो तो फिर इच्छा हो जाती है, यहां प्यास लगती है। ये भागवत आपके अंदर प्यास पैदा करती है। जिसके अंदर जानने की इच्छा है उसका तो कहना ही क्या है, लेकिन जिसके अंदर जानने की इच्छा नहीं है वो भी यदि यहां आकर के बैठता है उसको प्राप्त हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके अंदर वैराग्य है कि नहीं है, आपके अंदर प्यास है कि नहीं है। आप आकर के बैठो, धीरे धीरे प्यास भी जग जाएगी और धीरे धीरे आपके अंदर वैराग्य भी पैदा हो जाएगा। वैराग्य का ये मतलब नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ना है, इसका नाम वैराग्य नहीं है, वो तो भागना हो गया। वैराग्य छोड़ने का नाम नहीं है, वैराग्य होश पूर्वक करने का नाम वैराग्य है। अभी हम सब जो लोग कुछ कर रहे हैं ये गैर होशी में कर रहे हैं, सब कुछ अपने आप चल रहा है। जैसे सपने में सब कुछ चलता रहता है ना, सपने को आप चलाते हो कि अपने आप चलता रहता है? सपने में कुछ आपका बस चलता है? सपना जिस तरह से अपने आप चलता रहता है उसी तरह से ये संसार भी चल रहा है। हम गैर बेहोशी में कर रहे हैं, बस ये शास्त्र कहते हैं थोड़ा जागरण करके, जागृत होकर के थोड़ा होश पूर्वक फिर आप करो, तब आपको पता चलेगा क्या हो रहा है।